हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे क्रोटन को हम लोग बुशी और कलरफुल कैसे बनाएं। ये दो बहुत बड़ी क्वालिटी है क्रोटन्स की, कि वो बुशी बहुत अच्छे लगते हैं और कलरफुल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें कई कलर्स होते हैं। ये देखिए, इसमें कितने सारे कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, मोव। इसमें भी ग्रीन विथ पोल्का डॉट्स है, ये इसमें भी वाइन कलर है पीछे से, ऊपर से ग्रीन है और डॉट्स हैं। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, और जब ये बुशी हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो लैंकी हो जाता है। तो देखिए कैसा लगता है। ये वाली एक देखिए, ये स्टेम कितनी लंबी है। तो ये अगर बुशी हो जाता यहीं पर तो ज़्यादा फुल गमला रहता। जैसे ये नीचे से ये बुशी है तो ये यहाँ से अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसी ये है, इसमें कई स्टॉक्स और स्टेम्स आई हुई हैं। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, और इसको हम लोग कवर करेंगे चार सिंपल पॉइंट्स में। सबसे पहला लेते हैं हम लोग वाटर। इसमें क्रोटन्स में वाटर मॉइस्चर रहना चाहिए इवनली थ्रू आउट, हमेशा, कभी सूखा और कभी गीला ऐसे ना रहे। सेकेंड पॉइंट है फर्टिलाइजर। ये जो आप फर्टिलाइजर डालते हैं इसको ग्रोइंग पीरियड में रेगुलरली देते रहिए, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे। सितंबर का मंथ है, सितंबर में ये फर्टिलाइज करने का महीना है, क्योंकि ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है कि प्लांट हाइबरनेशन में जा रहा हो या डोरमेंसी में जा रहा हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो इसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज करना चाहिए। तो नेक्स्ट है प्रूनिंग। ये प्रूनिंग होती है, कटिंग होती है। प्रूनिंग मतलब होता है जस्ट कटिंग, और कटिंग करने से क्या होता है, ये प्लांट बुशी होता है और ज़्यादा फुल लगता है, गमले में भरा हुआ गमला लगता है। तो प्रूनिंग में हम लोग करते क्या है कि ये जो एपिकल स्टेम होती है इसकी, ये वाली एपिकल मेन स्टेम जो यहाँ से निकल रही है, इसको हम लोग काट देते हैं। ये काटते ही क्या होता है, यहाँ नीचे की एक्सिलरी बड्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, और यहाँ से नीचे से उसके ब्रांचेस निकल के आती हैं। ये देखिए, जैसे हम लोग ने ये यहाँ से काट दिया था तो यहाँ से चार स्टेम्स निकल के आई हैं, ये एक दो तीन और चार। तो यहाँ से ये बुशी हो जाएगा। ये तो मैंने कटिंग लगाई है, जहाँ से काटा था ये वाला, ये मेन स्टेम था, मेन स्टेम को काट लिया था, और इससे क्या हुआ है, नीचे की जो एक्सिलरी बड्स है यहाँ की, ये स्टिमुलेट हो गई और यहाँ से ग्रोथ शुरू हो गई नई स्टेम की। तो उससे क्या होगा, जैसे ये एक लैंकी स्टेम है, इसके बजाय यहाँ से ज़्यादा बुशी प्लांट बन जाएगा। एक यहाँ से काटा था और एक मैंने यहाँ से काटा था, दो स्टेम्स काटी थी, एक यहाँ से, उससे एक ये निकली है और एक देखिए यहाँ निकल रही है। ये दो स्टेम काट के लगाई थी, इनको करीब हो गया है 20 डेज या 1 मंथ हो चुके हैं लगे हुए, ये लग चुकी हैं दोनों। तो ये इसका प्रून करने का तरीका है और रीज़न है जिससे कि ये ज़्यादा हैवियर ग्रोथ दे, खूब बुशी बने। तो अब इसको कैसे काटते हैं, ये थोड़ा स्टेम इसकी इतनी हल्की नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती, तो इसको हम लोग प्रूनर से करते हैं। ये जो टॉप है नोड से ऊपर, ये जो लीफ, यहाँ लीफ निकली है, इस यहाँ पर नोड है, इसको यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। ये देखिए, ये कट कर दिया तो यहाँ से ब्रांचेस निकल के आएंगी नीचे से। ये क्रोटन्स में बहुत ज़रूरी है काटना, ताकि हमारा प्लांट खूब बुशी हो। अगर नहीं काटेंगे तो ये ही स्टॉक खाली लंबी होती रहेगी। ऐसी इसको भी काटना चाहिए, इसको मैं काट के दिखाती हूँ। ये दोनों भी छोटे हैं, इनको यहाँ से काट देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से ये कट गया, ये देखिए। अब इसको काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लैंकी हो गया है। इसको काटने का क्या तरीका है, इसको यहाँ से ऐसे करके, ये 45 डिग्रीज पे कटा है
तो अब क्या होगा, अगर पानी, वैसे मैं इसमें फंगीसाइड लगा दूंगी अभी, अगर पानी आएगा, बारिश आएगी या हम लोग पानी डाल रहे होंगे तो पानी टिकेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। इसमें इसमें पिंचिंग नहीं होती, इसको तो प्रूनर से काटना पड़ा क्योंकि इसकी स्टेम, मेन स्टेम जो है काफी स्ट्रांग हो चुकी है। यहां से काटा है तो यहां थोड़ा फंगीसाइड लगा दूंगी, कई बार फंगल अटैक्स हो जाते हैं अगर काटे तो। इसमें भी थोड़ा थोड़ा, एक इसके टिप में भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। अब ये जो है इसको मैं रूटेक्स में लगा के ये इसी में लगा, अभी मॉनसून का टाइम है, देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग इनकी हो गई है, ये कितने अच्छे ग्रो कर गए, ऐसे ये भी ग्रो कर जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि ये जो क्रोटन जहां पर भी आप रखें, बहुत तेज धूप ना हो और विंटर्स में कोल्ड विंड या बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट ना पड़े, आप वो जगह सेलेक्ट करने के बाद इसको बहुत ज्यादा मूवमेंट ना करें, ये जहां रखा है वहीं रहे। इसको बहुत ज्यादा न्यू प्लेस में अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक ही जगह रहेगी तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। ये चार चीजें सिंपल टिप्स हैं, ये फॉलो करते ही आपका क्रोटन बहुत बुशी और कलरफुल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।